नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जी, मैं हूं विनी शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वैसलीन जी रिश्ते अवार्ड्स कर्टन रेजर पावर्ड बाय डाबर रेड पेस्ट। 400 टेक्नीशियंस वर्कर्स और लगभग 40 आर्टिस्ट पिछले 4 हफ्ते से दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जी टीवी का सालाना जश्न वैसलीन जी रिश्ते अवार्ड शान और शौकत की एक मिसाल बने। पिछले 19 सालों में जी टीवी ने बांधे रखा है 121 करोड़ हिंदुस्तानियों को रिश्तों की अद्भुत डोर से और आज है उन्हीं रिश्तों का महाजश्न। परिवार का हर सदस्य 24 में से 48 घंटे किसको कहते हैं यार, मतलब जी तोड़ कमर तोड़ तबला तोड़ मेहनत कर रहे हैं यार। आइए जरा उनकी इन्हीं रिहर्सल्स में जाकर तांग झांक कर ले, देखते हैं भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना पानी कम है। पहले मुझे बताओ आप दोनों क्या करने वाले? हमारा जो एक्ट है वो रोमांटिक एक्ट है और मुझे ऐसा लगता है अर्चना माना हमेशा से रोमांस करते हैं तो इस बार वापस हम रोमांस कर रहे हैं। आप दोनों में से बेस्ट डांसर कौन है? आप क्या बताओ? ये मतलब क्या समझो मैं, ये इज द बेस्ट डांसर। तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है मतलब कोप अप करने के लिए? आज अभी मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी जब हम साथ में करेंगे। हाँ, ये हमारा फर्स्ट डे है कि हम साथ में आज डांस करने वाले हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। वैसे तो मैं महबूबा बनी हुई हूँ, यू नो ना मोना तो हमेशा ही महबूबा है लेकिन इधर थोड़ा एटीट्यूड में डांस करने वाली हूँ। फिनाले में एक मधुबाला सॉन्ग है, पूरा मस्ती धमाल और एक स्टेप करके मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राधिका, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के साथ अभी काम करते हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन कुछ भी अगर आपको एक ऐसी आदत के बारे में बोलना हो राधिका की जो बहुत अननोइंग है, जब आपको गुस्सा आता है राधिका पे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। हाँ? राधिका को ही गुस्सा आता है। क्या मतलब आप ऐसी जरूर बहुत खराब हरकतें करते होंगे, मतलब मैं करूं ना करूं उसका उससे कोई गुस्सा आता ही है? ये क्या बात है यार, बताना जरा इसका क्या सीक्रेट है, मतलब क्यों गुस्सा करती हैं आप बार बार? मैंने कभी गुस्सा किया नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी बात अलग हो रही है, मतलब स्ट्रेट से जवाब दो। ओके राधिका, आई आस्क यू लाइक वन गुड हैबिट अबाउट हिम लाइक व्हिच यू रियली अप्रिशिएट। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। ओके, आप भी बोल दीजिए, बता दीजिए उनके बारे में, अच्छाई करने का मौका मिल रहा है आपको। अच्छाई उसको छोड़ के सब अच्छा है, बाकी सब कमाल है। सो बैड, देख लो अभी, देख लो मतलब सच्चाई सामने आ गई आपके। मुझे छोड़कर सब अच्छा है। नहीं नहीं, उस चीज को छोड़कर, तुम्हारे गुस्से को छोड़कर, बाकी सब मस्त है। सो आर यू नर्वस, लाइक परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, लिप्स हैं क्या है? मैं नर्वस नहीं होता, जो लोग मुझे नचारे होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं एक्चुअली। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया। सबसे पहली बार एक ही मंच पर मिलने वाले हैं जी टीवी के सारे सुपर खलनायक और उनमें होने वाली है एक जबरदस्त जंग। सो लेट्स सी। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। का डॉन कौन? सब निगेटिव रोल्स करने वाली, मतलब जो माए हैं, सासू माए हैं, वो सब आने वाली है। इनमें डॉन कौन? ये दिखाया जाएगा। ये हजार छोकरे भेजा ना ठोकरे और ला है अपुन। बेदर
दर्दी राजा दिल्ली बेली का सॉन्ग बहुत ही हॉट सॉन्ग है। बस इसलिए है कि ये जो गाना है थोड़ा हॉट गाना है तो मुझे वो एक्सप्रेशंस लाने पड़ेंगे ना, वो जरा जब कोरियोग्राफ्ड होता है ना एक के बाद जब आपको याद करके करना होता है दैट इज द मोस्ट यू नो डिफिकल्ट पार्ट। खुला छोड़ दो फिर कोई टेंशन नहीं है, रिदम इज नॉट अ प्रॉब्लम। कविता ताई बहुत खड़ू से सबको डांटती रहती है। मिसेस कौशिक हमारी समधन है ना, अर्चना की सास, पवित्र रिश्ता में वो जो नाटकर्णी, हाँ जब भी उनको देखती हूँ स्क्रीन पे तो वो किसी के पीछे बड़ी होती डंडा लेके। बाप रे वो अगर देख लेंगी तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। यूनानिमसली सविता ताई पवित्र रिश्ता की वो मौसी बड़ी खड़ूस लगती है। अरे वाह, ये अवार्ड जाता है हमारी प्यारी सी सविता। वाह वाह वाह, क्या लगती हूँ ना मैं। मोना का कैरेक्टर सारा खान जो प्ले करे बहुत बोलती है, पड़ 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 कांस्टेंट। राम मिलाई जोड़ी सारा खान मुना। कुछ ज्यादा सारा खान जो मोना बनती है वो बहुत बोलती है। उसको मुझे बोलना पड़ता है भाई तू चुप हो जा, मुझे भी बोलने दे। हमेशा जो बकबक करती रहती है। एक सेकंड, बकबक करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें अनुकंद झल्ले, मैं बकबक तुम्हारी वजह से करती हूँ। फिर देखिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं ना, बाय गॉड फिर आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम। मोना तो ऐसी है ही नहीं। हाँ हार्ड कोर मेहनत करनी है आप टू डू हेलन नंबर, डांस उनका करना तो मुश्किल है ही, लेकिन और ज़्यादा व्हाट आई फील मुश्किल है इस उनकी अदा, क्योंकि वो इतने सेंशुअल सेक्सी ऊफ वाले स्टेप्स करती थी। पिया तू अब तो आजा, खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, आपको हम दोनों के बीच में खड़े रहना है, और सर आप जो सॉन्ग इनके लिए गा रहे हैं आपको मेरे लिए गा रहे हैं। तो हम मैं मतलब कबाब में हड्डी क्यों? नहीं मैम हड्डी नहीं मैम, आप हड्डी से कहीं ज्यादा हैं, आप पेड़ हैं। आप प्लीज आइए, आप यहाँ आइए, और मैम हमारे प्यारे से वृक्ष हैं तो मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ और आप वही गाना लेंगे। ओके, और इमेजिन कीजिए हम 60s या 70s में चल रहे हैं। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर मिला है सागर, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। हैप्पी फैमिली। पता है आपको इस बार जी फैमिली के सारे यंग लड़कों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की माओ के सर पर हाथ रख के फुल ऑन जज्बातों के साथ ना ये कसम खाई है कि कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। तो चल के देख लेते हैं कितने सीरियस हैं अपने रिहर्सल्स में। मेरे साथ तो फ्लर्ट कर रहे थे। बॉडीगार्ड के सॉन्ग सॉन्ग पर डांस करके कोई बॉडीगार्ड नहीं बन जाता है, मतलब क्या है, मतलब लड़की को इम्प्रेस करने के कोई अपने मतलब बहाने छोड़े नहीं है। सो आई गिव यू अ टास्क नाउ, ये है हमारी अच्छी सी लुंगी, आपको क्या करना है कि ये रजनीकांत जी के स्टाइल में ना इसको बांध के उन्होंने मद्रासी रोमांटिकली होके ना मुझे इम्प्रेस करना है। सो आर यू रेडी? काम फंसा दिया इस लड़की ने। Anna Roskala, I love you. So cute. Imagine कर लो कि आज के लिए ना मैं आपकी कटरीना, क्या करूंगी मैं? लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। Yeah.
कैमरा के सामने है कि जो मैं करूंगा आपको इम्प्रेस करने के लिए, भले आप इम्प्रेस हुए या ना हुए, लेकिन उसके बाद मुझे थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। इतना स्वीट सा बॉय है, कौन आपको थप्पड़ मारेगा? आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। और मैं आपको एक सीने ऐसे पकड़ सकता हूँ क्या? एक बार, एक बार, एक बार। ये कुछ ज्यादा हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं सुपर हीरो हूँ, मैं आपको उतारूंगा नहीं। इमेजिन कर लीजिए, आज मैं आपकी चमक छल्लो हूँ, अभी इसको यूज करके आप मुझे इंप्रेस कैसे कर सकते? कभी कभी मेरे दिल में ये वाले दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अब मुझे इंप्रेस कीजिए आप, रेडी यार, डांस फॉर मी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल डूब जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। अर्चना पवित्र रिश्ता से भागो वाली, भागो वाली। और राधिका को दे देते हैं, वो रोती रहती है जब देखो बिना मतलब के। अर्चना ताई हमेशा रोती है, एंड ऑफ स्क्रीन आल्सो शी लिटरली फिनिशेस बॉटल्स ऑफ ग्लिसरीन्स यूजिंग। आभा को जाना चाहिए, बहुत रोती है बेचारी, रो रो के वो हैप्पी बर्थडे भी गा सकती है। जैसे हमने एक सर्वे किया है कि सबसे ऑन स्क्रीन जो रोतड़ू बंदा है उसके सबसे ज्यादा वोट्स आपको जाते हैं। शी 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 Hiten, you need to do me a favor. मैं आपको एक चीज देने वाली हूँ, वो गिफ्ट है हमारी अर्चना के लिए। No. आपको वो उनको देना है, प्लीज अपने हाथों से दी। ये, ले लो। अब जरा मुझे बताइए कि ये गिफ्ट लेते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है बालाजी में, जितना रोगे उतनी टीआरपी अच्छी आएगी। तो आज आखिर आ ही गई है वो शाम जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज जी टीवी से जुड़े हुए हर सुपरस्टार को चलकर जाना होगा इस रेड कार्पेट से। तो आज हम मस्ती धूम धड़ाके की, इट्स जस्ट अ टाइम इंडिया, वेलकम टू वैसलीन जी रिश्ते अवार्ड्स पावर्ड बाय डाबर रेड तेज। Raise up the walk, light it up to the beat. Come on, Chalva. Give it to me, Chalva. Give it to me, Chalva. Gorgeous with attitude, and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. Kis moon ka hai ye Chalva? Kis moon ka hai ye Chalva? जी रिश्ते अवार्ड मुझे लगता है बहुत स्पेशल है, खास है। टीवी स्टार्स आर रूलिंग द होल इंडस्ट्री, सो आई एम हियर टू एक्नॉलेज देम एंड टू सी देम विन। दिस इज द ओल्ड रिश्ते व्हाट जी हैज बीन एबल टू बिल्ड ओवर 19-20 इयर्स। जी एंड आई एम पार्ट सिंस बिगनिंग एंड आई विल रिमेन पार्ट ऑफ इट। जी से ही तो मेरा रिश्ता है, मेरी डोर तो उनसे इतनी बंधी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। रिश्ता बनी गया जी के साथ, एंड दे ट्रीट यू लाइक अ मेंबर ऑफ द फैमिली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे अजीब लग रहा है यार, मैं देख जिम से आ गई हूँ, कुछ कपड़े नहीं मिले यार तुम्हारे, कितना ब्यूटीफुल तुमने गाउन पहन रखा है, लाओ अपना गाउन दे दो पहनने के लिए। मुझे अवार्ड शोज बहुत पसंद है, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और सब लोग हंसते हैं जब किसी और को अवार्ड मिलता है। जिनको भी नॉमिनेशंस मिले हैं सभी एक्टर्स को मेरी बेस्ट विशेस। जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हमको लगते हैं दुनिया को देख के जी, लेकिन वो लोग ना दिल से ऐसे मऊ 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 मतलब नारियल जैसा। मैं नॉमिनेट हुई हूँ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई हर्ड माई नॉमिनेशंस आर देयर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी क्या होता है। हम भी एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे शो से इस बार बहुत सारी नॉमिनेशंस हैं और बस उम्मीद है कि कुछ तो मिली जाए, इस साल तो हम कुछ हड़प ही लें। मैं चाहूंगा कि ऑफ कोर्स अवार्ड मुझे मिले, लेकिन ये अवार्ड थोड़ा स्केरी है, व्हिच मींस द बेस्ट भाई, एंड आई डोंट वांट ऑल द प्रीटी गर्ल्स टू लिटरली टेक द मीनिंग कि बेस्ट भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मिसेस कौशिक को ज्यादा से ज्यादा अवार्ड मिले, यही होप लेके हम अंदर जा रहे हैं। का डांस गजब का है, देख लीजिए अब तो कोई मौका छोड़ने नहीं। उसके बोल सुनेंगी तो मतलब मेरे मुंह में तो पानी आ जाएगा। मेरा पहला
पहला अवार्ड फंक्शन में अटेंड कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है. ओके. तो थोड़ा सा नर्वस जरूर, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट भी बहुत है. बस यही उम्मीद है कि परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी जाए जितनी मेहनत की है. धड़कने कुछ तेज हुई. परफॉर्मेंस के बारे में मतलब कैसी है प्रिपरेशन आपकी? प्रिपरेशन बहुत खतरनाक है. वो क्या है कि बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करिया किया है मैंने. बहुत टेंशन देख ही रही है आप, मैं कितना मैं स्टेप कर रहा हूँ चलते चलते. कितके मासी तो फुली हैप हो गई है और वो हॉट भी हो गई है और ऐसा परफॉर्मेंस धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाली है. और इसकी परफॉर्मेंस भी है, मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट. धुनकी पे डांस करी है ये. एंड आई हैव माय लकी चार्म विद मी, सो या आई एम वेरी एक्साइटेड. वी आर नॉमिनेटेड एंड वी गोना विन. मेरी कमी थी तो कितनी कमी हो रही होगी अंदर. अभी मैं फटाफट जाके भंगड़ा चालू करूंगी, तब तो जी रिश्ते अवार्ड चालू होगा. माँ को पूछिए कि मुझे कैसे हंसाना पड़ रहा है उसे. बहुत टेंशन होती होगी ना आपको? बहुत बहुत. मेरी बेटी तो माने हिटलर ही है. वो लड़के किस तरह के पसंद आएंगे? मतलब जो लड़के, आई हेट मेन. ओ यू हेट मेन? आई हेट मेन इन द वर्ल्ड. जी टीवी के सभी स्टार्स को देखने के लिए एक्साइटेड हो, खासकर पवित्र रिश्ता के स्टार्स को देखने के लिए एक्साइटेड हो. रिश्तों का त्योहार मना रहा है जी और इसका एक हिस्सा मैं हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ. जो कलाकार है जी के, कई वर्षों से उनके साथ भी मित्रता है, तो उनका हौसला बढ़ाने में. मेरी जिंदगी की शुरुआत जी से हुई. okay. तो इसीलिए बिनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स लाइक बैक टू माय फैमिली. जी एंड आई हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप और मुझे, मैं ये अवार्ड के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूं. इट्स अ लवली इवनिंग एंड आई होप एवरीबॉडी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम. जब किसी को जी रिश्ते अवार्ड मिलता है, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग देम इनटू द फैमिली एंड मेकिंग इट पर्सनल. मेरा जो वजूद है स्पेशली टीवी के साथ, वो जी रिश्ते, जी डीआईडी के साथ चालू हुआ जी. तो एक बहुत ही गहरा बंधन है हमारा. करण जी, आप बड़े मल्टी टैलेंटेड बंदे हो यार. मतलब आप एंकरिंग भी कर रहे हो, आप डांसिंग शांसिंग भी कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, मतलब फुल ऑन आप लगे ही रहते हो. तो क्या रहा? और साथ में बहुत कुछ और करते हैं जो आपको पता नहीं है. थोड़ा बता. मल्टी टैलेंटेड. अगर आप जीत गए अवार्ड, आप क्या करोगे मेरे लिए? अपने जज्बात जो कंट्रोल में रखो. वैसलीन जी रिश्ते अवार्ड्स में हमारे एक से बढ़कर एक सुपरस्टार्स तो आए ही, लेकिन सुरों के महारथियों ने भी अपनी प्रेजेंस देकर इस रेड कार्पेट की शोभा और भी बढ़ाई. मुंडे यार ठगले ठगले, मुंडे यार ठगले ठगले, मुंडे यार ठगले. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. फयाकुन फयाकुन फयाकुन. उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी. अगर आप अवार्ड को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब एक धमाकेदार एक स्टेप करना चाहें जिससे आप ये बताना चाहें कि यार अवार्ड मेरा हो जाके, तो आप कौन सा स्टेप करके दिखाएंगे? अवार्ड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो प्लीज करके दिखाइए. जो नहीं, वो टेलीविजन पे दिखा नहीं सकता. ये है यो मच्छम मच्छलो. Excuse me, hello, what is this? घड़ी के सारे कांटे भी 8 बजे की और तेजी से दौड़ रहे हैं. लगता है वक्त भी अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है यार स्पेक्टेकुलर जश्न में हिस्सा लेने के लिए. ग्लिट्स, ग्लैमर, लव, मस्ती, लाफिंग विद ऑल द सेलिब्रिटीज ओनली ऑन वैसलीन ज़ी रिश्ते अवार्ड्स. हियर वी गो.